तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। आज का टॉपिक भी शेयर चैट से रिलेटेड है और उस पर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ चुके हैं और कमेंट्स आने के बाद भी ऐसे कमेंट्स ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं जिसके लोगों ने कहा है कि भाई इस पर वीडियो बनाओ और इस पर हमें कमेंट्स से समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई वीडियो बनाते हैं। और टॉपिक है कि भाई आपके शेयर चैट पर पॉइंट जो हैं वो कम क्यों हो जाते हैं। मतलब अगर आज आपके 700-800 पॉइंट हैं तो कल परसों आप अगर आप देखोगे तो वो पॉइंट आपके 600 या फिर 400 से भी नीचे हो जाएंगे। तो वो कम क्यों होते हैं, आज के टॉपिक पर हम इसी वाले बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना दोस्तों। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे देख रहे हो ना। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग शेयर चैट पर अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करने का मतलब जब आपके पास मैसेज आता है, जब आपके पास एक शेयर चैट की तरफ से मैसेज आता है तो उसमें लिखा होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही इसको करते रहो, यानी कि ऐसे ही पोस्ट आप करते रहिए। तो जब शेयर चैट ही आपको बोलता है कि आपने अच्छे पोस्ट किए हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी आई है, कृपया ऐसे ही पोस्ट को शेयर करते रहिए, तो यहाँ पर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आंसर क्या है, आंसर ये है कि आपके जो रैंक है वो रैंक कब मिलती है, जब आप वीडियोस को डालते हो। तो जैसे आपने आज एक दिन में 4-5 वीडियो डाली, कल भी आपने 4-5 वीडियो डाली, परसों भी आपने 4-5 वीडियो डाली, आप लगातार एक हफ्ते से यही कोशिश और यही प्रयास कर रहे हैं कि 4-5, 4-5, 6-7 वीडियो आप कर करके डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका रैंक स्कोर बनता है। जब आपका स्कोर मान लो एक फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका स्कोर 1000 बनता है तो उन कैलकुलेट करके ही, उन वीडियोस को कैलकुलेट करने के बाद 1000 आपके पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन अब आप क्या करते हो, 7 दिन बाद आपने एक दिन का गैप कर दिया, मान लो आप कहीं ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे आप बना ही नहीं सकते हो, या फिर मान लो ऐसा हो जाता है कि भाई आज मन ही नहीं कर रहा, या फिर कुछ भी आप बना सकते हो कि भाई आज शेयर चैट पर कुछ भी करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। तो एक दिन ऐसा हो गया, 2 दिन ऐसा हो गया, अगर 2 दिन ऐसा ना हो, 1 दिन भी ऐसा हो गया, तो वीडियोस पे जो रैंकिंग मिलती है आपको वो आप ही की वीडियो को दिए गए स्कोर के हिसाब से पॉइंट्स बनते हैं, ये सब आपको पता है। यानी कि आपकी जितनी भी वीडियोस हैं उनका एक स्कोर निकाला जाता है, आपने इस वीडियो पे इतनी लाइक शेयर व्यूज़ आए हैं, उस वीडियोस को कैलकुलेट करके एक हफ्ते के अंदर 3 वीडियो को लेता है, 3 वीडियो को कैलकुलेट करने के बाद उसमें से रैंक निकालता है, रैंकिंग निकालने के बाद स्कोर, और उस स्कोर से आपको पॉइंट मिलते हैं। जब पॉइंट आपको इन सारे मेथड्स के मिलने के बाद आपको जो रैंकिंग वाले पॉइंट मिलते हैं, उस पॉइंट का मतलब है कि आपने जितने भी वीडियोज़ डाले हैं ये पॉइंट उसके हैं, ना कि उसके कि आप जो रोज़ डाल लो ना, ये एक हफ्ते के कैलकुलेट करे हुए होते हैं। तो पॉइंट्स देने के बाद जब शेयर चैट आपको पॉइंट्स देता है तो वो आपसे मैसेज भी करता है कि आप ऐसे ही अच्छे पॉइंट्स देते बनाइए और ऐसे ही वीडियोस को आप शेयर करते रहिए शेयर चैट पर। लेकिन आप क्या करते हो, जब 1-2 दिन की गैप हो जाता है तो आपके मन में आता है यार आज मन नहीं कर रहा, कल फिर नहीं करूँगा। तो ऐसे करते हुए जब आपकी वीडियोज़ ड्यू हो जाएगी, यानी कि आप रोज़ कंटिन्यू उस पर नहीं करोगे, तो उसमें क्या है, 1000 रैंक थे आपके, लेकिन शेयर चैट पर बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जो लगातार दिन भर उसको लगे रहते हैं, तो उसकी जगह उसको मिल जाएगी। भाई अगर आप एक हफ्ते में 500 रुपये आप कमा रहे हो तो आपने 4 दिन वीडियो नहीं बनाई तो एक हफ्ते में 3 ही दिन बनाई आपने वीडियो। अब जो बंदा मेहनत कर रहा है 7 दिन में लगातार सुबह शाम मेहनत कर रहा है, तो आपको चांस देगा शेयर चैट कमाने का या उन लोगों को चांस देगा? तो सिंपल सा फंडा है, यही समझ में आ जाएगा कि शेयर चैट पर कंटिन्यू काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप मान लो और इस बात को जान लो। क्योंकि जितना आप काम शेयर चैट पर अच्छे से अच्छा करोगे, प्रतिदिन करोगे, उतना ही शेयर चैट आपको ग्रो करने का मौका देगा, आपको पैसे भी देगा, पैसे तो देता ही देता है लेकिन आपको ग्रो करने का भी मौका देता है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो ज़रा सी भी दिक्कत लगी या फिर कोई आपकी कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो दोस्तों। शेयर चैट से जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर लो, विजिट करने के बाद आप देख सकते हो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।